मुंबई का फेमस वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान यानी कि भाईकल्ला जू, ये जू बना था 1861 में। तो आज की जर्नी शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हो ब्रिटिश ओल्ड एज कैनन। ये मैप आपको गाइड करेगा पूरा जू घूमने में। इस जू में लायन या शेर जल्दी ही देखने मिलने वाला है, क्या पता अगली बार मिले। 2 मिनट आगे चलने पर आपको देखने वाला एक हाथी, ये फीमेल एलिफेंट का नाम है लक्ष्मी। एलिफेंट तो देख लिया, तो चलो बढ़ते हैं बैर की तरफ यानी कि भालू। भालू को देखने के बाद जू में सबसे ज्यादा पसंद किया हुआ जानवर वो है द बंगाल टाइगर। ये 65 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ने वाले एनिमल का नाम है व्हाइट स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल। स्पॉटेड डियर को देखने के बाद अब हम जाते हैं सांबा डियर के एनक्लोजर में। ये डियर पूरे एशिया में सबसे बड़ी प्रजाति में आता है। एडल्ट मैक्स वेट इसका होता है 180 किलोग्राम्स। यह है जापानी स्टाइल गार्डन जो पब्लिकली एंट्री नहीं है। प्लांट्स को देखने के बाद अब हम देखेंगे कोरिया से इंपोर्टेड पेंगुइन्स जिसका नाम है हम्बोल्ट पेंगुइन। अभी हम देख रहे ग्रेट हॉर्नबिल। यह है रोज रिंग पैराकेट। तो दोस्तों ये है मकाओ। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में रहने वाला ये पैरेट ब्रीड आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा। इसकी लाइफ स्पैन मैक्स टू मैक्स 50 ईयर्स होती है। मकाओ पैरेट को देखने के बाद अफ्रीकन ग्रे पैरेट पे आते हैं। इसका दूसरा नाम है कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे पैरेट। ये पीफॉल यानी कि पिकॉक।
पिकॉक को देखने के बाद अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉकेटेल। रेडियस स्लाइडर टर्टल ये मोस्ट पॉपुलर एक्वेटिक पेट्स में आता है। अभी हम देख रहे हैं इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल। इंडियन स्टार टर्टल ये नेटिव है इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के। तो गाइस हम देख रहे फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। घड़ियाल को देखने के बाद अब हम देख रहे हैं क्रोकोडाइल। यह है पेंटेड स्टॉक, यह है शॉर्ट लेग हेरॉन, यह है ब्यूटीफुल गोल्डन हेरॉन। इस एक्वेटिक एनक्लोजर में सबसे बड़ी बर्ड है ये व्हाइट स्टॉक, ये है ब्लू शॉर्ट लेग्ड हेरॉन, ये 56 किलोमीटर पर आर पे दौड़ने वाला ये है लेपर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।